गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टू अ सुपर न्यू हॉरर स्टोरी। पहले तो मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा सा सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज आई नो कि मेरे चैनल पे वीडियोस रेगुलरली नहीं आ रहे हैं एंड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्यों मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। सो बेसिकली आई वॉज ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन, मैं वहाँ गई हुई थी एंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी यार। होता है ना कि बहुत टाइम बाद अगर आप घर जाओ तो आपका कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, लाइक रिश्तेदारों से मिलना होता है, तो वो सारी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पाए। बट नाउ आई एम बैक टू नोएडा एंड अब से जो है वीडियोस रेगुलरली आने लग जाएंगे एंड आज से शुरू कर रही हूँ मैं। सो ये था एक अपडेट। नाउ कमिंग बैक टू टुडे स्टोरी। आज की कहानी गाइज मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर, उनका नाम है यूरी। एंड यूरी ने ना एक पहले भी एक स्टोरी हमसे शेयर किया था उनकी मॉम का, वो भी बहुत ज़्यादा क्रीपी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक करिएगा। एंड आज की कहानी भी है गाइज, ये उनका एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी उनकी मॉम का ही एक्सपीरियंस है एंड ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा क्रीपी लगेगी आपको फॉर श्योर। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बाकी डिटेल्स ऑब्वियसली आपको स्टोरी पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है यूरी ने और ये उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनकी मम्मी का एक्सपीरियंस है। सो यूरी जो है गाइस वो असम से बिलोंग करती है और ये कहानी भी असम का ही है। सो होता ये है कि यूरी की मम्मी जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी जब ये हादसा उनके सामने हुआ और वो क्लास सिर्फ 9 या फिर 10 में पढ़ाई करती थी। एंड वो जिस घर में रहती थी उनके घर के ठीक बगल में एक और घर था, यानी कि उनके नेबर, और वो जो नेबर है वो एक रेंटेड हाउस में रहते थे, वो उनका अपना घर नहीं था। एंड उस फैमिली में रहती थी एक लड़की जिनका नाम यूरी ने डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि गाइज ये जो कहानी अभी आगे मैं आपको बताऊंगी वो सारा कुछ जो है उस लड़की के साथ हुआ है एंड यूरी की मम्मी ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। तो उस लड़की का नाम हम लोग इस कहानी के लिए अनाया रख देते हैं। सो अनाया अपनी फैमिली के साथ रहती थी वहाँ पे एंड उनकी फैमिली में थे उनके मॉम डैड, उनके 2 बड़े भाई और उनके एक छोटा भाई। वो पूरा फैमिली जो है यूरी के मम्मी के बगल वाले घर में रहते थे। सो नाउ यूरी की मम्मी का जो घर है गाइस उनके बैक साइड में एक दरवाज़ा होता है एंड अगेन जो नेबर है यानी कि अनाया के घर के बैक साइड में भी एक दरवाज़ा होता है एंड वो दोनों दरवाजे जो है वो कनेक्टेड है, लाइक वो लोग एक ही जगह आ पहुँचते हैं जहाँ पे वो लोग पानी लेने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया है वहाँ पे वो चीज़ होता था। तो दोनों परिवार वहाँ से पानी लेकर, पानी भर कर अपने बाल्टी में घर लेकर जाते थे। सो ऐसा टाइप कुछ एक घर था उनका, आप विजुअलाइज कर सकते हो। सो एक दिन क्या हुआ कि अनाया के जो पापा है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जिस वजह से अनाया के पापा को जो है एक हॉस्पिटल है असम में, मेडिकल हॉस्पिटल, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको एडमिट कराया गया। तो एक दिन अनाया और अनाया की मम्मी जो है पूरा दिन जो है वो उनके पापा के साथ और उनके हस्बैंड के साथ यानी कि हॉस्पिटल में ही थे। बट शाम को अनाया अकेले घर वापस आती है और उनकी मम्मी जो है उनके अपने हस्बैंड के साथ ही वहाँ पे रहती है। तो अनाया करीब 5 बजे, शाम के 5 बजे वो आती है एंड उनके घर के बैक साइड जो डोर है जिसके बारे में मैंने बताया वहाँ पे वो आती है बिकॉज उनको नहाने के लिए पानी चाहिए था। जब वो पानी भर ही रही होती है तभी अनाया की नानी यानी कि अनाया की मम्मी वो बाहर आती है एंड उन्होंने जब देखा अनाया को पानी भरते हुए तो उन्होंने उनसे पूछा उनके पापा की तबीयत के बारे में और उन्होंने अच्छे से रिप्लाई भी किया। फिर अच्छे से वो लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे एंड उसके बाद अनाया अपना बाल्टी जो है पानी भरा हुआ बाल्टी वो घर पे लेकर अंदर चली गई। ना उसके अंदर जाते मैक्सिमम 10 मिनट्स, शायद 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उनके घर से अनाया की बहुत ज़ोर से एक चीख सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। पर वो आवाज़ जो है वो एक नॉर्मल इंसान की आवाज़ नहीं थी, जैसे अजीबोगरीब सी आवाज़ थी, पर ये तो पता था कि कोई जो है अंदर से चिल्ला रहा है। नाउ ये सुनकर अनाया की मम्मी और उनकी जो नानी है वो बहुत ज़्यादा डर गए एंड साथ में वही नहीं, साथ में उनके आस पड़ोस के जितने भी नेबर्स रहते थे, जितने लोग रहते थे, उन सबको जो है वो आवाज़ सुनाई दिया और सारे जो है इकट्ठे अनाया के घर के सामने आके सब खड़े हो गए, लाइक भीड़ जम गई एंड वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि आखिर क्या हो रहा है अंदर ना। अनाया के दो बड़े भाई और उनका एक छोटा भाई, वो तीनों तो घर में ही थे। सिर्फ अनाया की मम्मी जो है उस वक्त नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी अनाया के पापा के साथ। तो वो लोग भी जब अपनी बहन की आवाज़ सुनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन जो है घर का सारा सामान जो है वो फेंक रही है एंड वही आवाज़ जो बहुत डरावनी आवाज़ सबको सुनाई दिया, वही आवाज़ चिल्लाते हुए सारा सामान वो फेंक के जा रही थी। नाउ अनाया के घर के पास एक और घर है, वहाँ पे तीन लड़के ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉलेज में थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। और यूरी की मम्मी के बगल में भी एक घर था जहाँ पे 12 से 15 लड़के वहाँ पे रहते थे, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। तो सभी ने क्या किया, उन लड़कों को, उन सारे लड़कों को जो है उन्होंने आवाज लगाई और बोला कि जाके उसको पकड़ो, बिकॉज अनाया के जो तीन भाई है वो तीनों जो है कोशिश कर रहे थे अपने बहन को पकड़ने के लिए, पर वो काबू में ही नहीं आ रही थी। वो तीन लड़के जो है उसको संभाल ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से सबने सोचा कि और सारे जो लड़के अगर आए तो ही शायद सब लोग जो है उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सामान वगैरह फेंक रही थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। तो सारे लड़के आए एंड अनाया के पास जब वो गए और पकड़ने की कोशिश करी, आप यकीन नहीं मानोगे, जब सब 12-13 लड़के, मतलब आप सोच लो इंक्लूडिंग दी ब्रदर्स, इंक्लूडिंग जो कॉलेज के बच्चे, लाइक 18-19 लड़के एक साथ मिलकर जब अनाया को पकड़े, और एक टाइम पे वो लोग जीत भी गए थे उनको पकड़ने में, पर उसके बाद अनाया के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी कि उन्होंने सब लड़कों को जो है धक्का मार के गिरा दिया था। थोड़ी देर तक तो यही चलता रहा, वो सारे लड़के गिरते थे, उठते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर गिर जाते थे, पर किसी तरीके से जैसे तैसे अनाया को फाइनली सारे लड़कों ने मिलकर पकड़ा एंड उसको बेड में लिटा के एक रस्सी से बांध दिया, क्योंकि वो एकदम काबू में नहीं आ रही थी एंड इट वाज अ रिस्क फॉर एवरीवन्स लाइफ। तो इसलिए उन्होंने यही सही समझा करना। एंड उसी बीच में जो है कोई जाकर अनाया की मम्मी को हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल से उनको लेकर घर आ गए। नाउ सभी को इस वक्त तक पता चल गया था, उनको बिलीव हो गया था कि अनाया के शरीर में कोई आत्मा आ गई है। पर ये सब करते करते शाम इतनी हो गई थी, रात हो गई थी बल्कि, कि कोई भी ऐसे पुजारी जो झाड़ फूक करना आता हो, जो ये सब का समाधान करना आता हो, वैसा कोई भी उनको इस समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उनको सुबह तक ऑब्वियसली वेट करना पड़ा। पर सुबह तक जितने लोग अनाया के घर में इकट्ठे हुए थे ना, जो नेबर्स वगैरह, सब लोग जो है उस दिन, उस पूरी रात, जो सुबह तक अनाया के घर में ही सारे थे, उस परिवार को, अनाया के परिवार को किसी ने भी अकेला नहीं छोड़ा। ना अगले दिन सुबह एक बहुत ही नामी वहाँ पे कोई इंसान था, मतलब जो झाड़ फूक करने वाले एक पुजारी थे, उनको वहाँ पर लेकर आया गया। जब वो पहुँचे तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से देखा, अच्छे से ध्यान लगाया, तब उन्होंने बताया जो उनको पता लगा दैट अनाया जब हॉस्पिटल से आ रही थी तो वो जिस कॉरिडोर से गुजर रही थी वहीं पे एक डेड बॉडी जो बहुत टाइम से ही पड़ी हुई है वो वहाँ पे थी। यानी कि वो डेड बॉडी जो वो हॉस्पिटल के किसी दूसरे कमरे में थे, पर उनको जो है उस बॉडी को बाहर कॉरिडोर में लेटाया गया था, बिकॉज उस बॉडी को कोई लेने के लिए ही नहीं आया था। और उसी वक्त जो है अनाया उसी कॉरिडोर से गुजर रही थी और उसको काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रहा था, तो इसीलिए अनाया ने अपने रुमाल से अपने नाक को ढक कर बाहर जाते ही उसने थूका, बिकॉज बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और उसको जैसे उल्टी जैसी आ रही थी। तो उसके बाद वो घर के लिए निकल गई। तो पंडित जी का ये कहना है कि वो जो उन्होंने थूका, ये चीज़ उस आत्मा ने देखा और इसी वजह से वो आत्मा जो है अनाया के साथ साथ उसके घर तक आ पहुंचा। फिर वो पुजारी ने उस आत्मा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर पहले तो वो आत्मा बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस चिल्ला रही थी और सामान फेंक रही थी। पर फाइनली वो जो आत्मा है उसने थोड़ा बहुत जवाब देने वो लग गए। तो पहला सवाल जो पुजारी ने उनको पूछा, और ये पूछा कि तुम इस लड़की के साथ, तुम इस शरीर में क्यों आए? तो इसका जवाब देते हुए उस आत्मा ने बोला कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक जवान लड़का हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है और मेरी मौत एक एक्सीडेंट में हो गया था एंड मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया, तो मुझे किसी के घर आना था, मुझे एक परिवार चाहिए, तो इसीलिए मैं उस लड़की के साथ जो है यहाँ पे आ गया। ना ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा एकदम चौंक गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जब आप ऐसे सुनते हो किसी और के मुंह से भी तो बहुत ज़्यादा काल्पनिक लगता है, पर जब किसी के साथ होता है तो आप सोचो कितना ज़्यादा स्कैरियस्ट वो मोमेंट होगा सबके लिए। बट एनीवे, ये सुनने के बाद जो पुजारी ने दूसरा सवाल ये पूछा कि तुम इसके शरीर से क्यों नहीं जा रहे हो, इसके शरीर को छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो जो आत्मा है उसने जवाब में ये बोला कि मैं इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ये घर अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। उस आत्मा ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि वो अनाया के शरीर को अब नहीं जाएगा। तो उस पुजारी ने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो एकदम ही अपनी जिद पे अड़ा रहा और वो वहां से जाने को एकदम ही मना करता रहा। वो पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त उस पुजारी के लिए उस आत्मा को अनाया के शरीर से निकालने का। नाउ अनाया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था बिकॉज वो आत्मा जो अपने आप को हार्म पहुंचा रहा था और ऑब्वियसली चोट और दर्द जो है वो अनाया को लग रहा था। तो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे अनाया को इस हालत में देखकर, पर कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो उस पुजारी ने भी एकदम जिद पकड़ ली कि मैं तो इस आत्मा को अनाया के शरीर से निकाल के ही रहूंगा। पर ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। ये करते करते 3 महीने लग गए। फिर हर दिन घंटों घंटों भर पूजा करने के बाद फाइनली 3 महीने बाद वो आत्मा जो है अनाया के शरीर से चला जाता है, उस घर से चला जाता है। फिर उसके बाद जो पुजारी है उन्होंने अनाया के साथ साथ उनके फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स को तावीज दी और बोला कि ये एकदम पहन के रखना और ये घर जो है तुम लोग छोड़कर तुरंत ही यहाँ से चले जाओ क्योंकि इस आत्मा का कोई भरोसा नहीं है। बिकॉज एक तो ये बहुत पावरफुल है और दूसरा उनको ये घर जो है पसंद आ गया है, तो ये कभी भी शायद वापस लौट सकता है अनाया के शरीर में भी और या तो इस घर में। तो यही बेहतर होगा कि तुम लोग सारे जो है जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो उसके बाद जो है अनाया और अनाया का पूरा परिवार जो है उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। पर अभी तक यूरी और यूरी की फैमिली को बेसिकली नहीं पता है कि अनाया आज के डेट में अपने परिवार के साथ कौन सी जगह किस घर में रहती है। अब उस पुजारी ने ऐसा कौन सा पूजा कर दिया जिस वजह से वो आत्मा जो है मजबूर हो गई अनाया के शरीर से जाने के लिए और उनके घर से भी जाने के लिए, इसके बारे में तो यूरी ने मेंशन नहीं किया है स्टोरी पे। बट द गुड पार्ट इज दैट ऑब्वियसली उस घर से और अनाया के शरीर से वो आत्मा एकदम से निकल के जा चुका है। एंड आई होप कि दे आर स्टिल सेफ और इन सारी चीज़ों से एकदम से दूर हो। सो ये थी कहानी गाइस, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा क्रीपी लगी बिकॉज इस स्टोरी को मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा फील कर सकती हूँ। सो इट वॉज वेरी स्कैरी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरीज है, रियल हॉरर स्टोरीज है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो डू चेक इट आउट। एंड अब से वीडियोस डिले नहीं होंगे, रेगुलरली ही आते रहेंगे। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, गेट एक्साइटेड एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून अगेन विद अनदर रियल हॉरर स्टोरी। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।